हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 1.5% के आसपास की तेजी आज देखने को मिली है बाजार में। वॉल्यूम में भी थोड़ा सा तेजी देखने को मिली है, 104 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज के दिन में। वोडाफोन आइडिया लगातार डाउन साइड में बना हुआ था, प्रॉब्लम फंड रेजिंग की थी और खबर आ चुकी है कि वोडाफोन आइडिया 7500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग बाय जून एंड तक कर लेगा। जो पहला किस्त आने वाला है इसका 7500 करोड़ की फंड रेजिंग यहाँ पर होने वाली है। और जो मेन लेंडर्स हैं हमारे सामने वो हैं HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका जो लोन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुकता होने वाला है। वोडाफोन आइडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि इस बार जो लोन डिफॉल्ट नहीं करने हैं वाले वो लोग। तो एक अच्छी खासी यहाँ पर किस्त उठाई जा रही है यहाँ पर 7500 करोड़ रुपए की। हालांकि जो एम था वो 25000 करोड़ का था, उसके बारे में बात करेंगे खबर क्या है पूरी और वोडाफोन आइडिया में इसका क्या असर होने वाला है। देखो कोई और मार्केट होता तो इस खबर के बाद बहुत तेजी से भागता ये, बट क्योंकि मार्केट लगातार दबाव में बना हुआ है और यही एक बड़ा कारण है कि फिर भी वोडाफोन आइडिया हैड मैनेज्ड कि यहाँ पर 1.5% की ठीक ठाक रैली यहाँ पर आए। ठीक है, बात करेंगे पूरी खबर क्या है, फंड रेजिंग के बाद क्या इसमें एक तेजी बनती हुई देखने को मिलती है। सवाल ये है कि 3 डिजिट में कब तक वोडाफोन आइडिया आ सकता है हमारे सामने, ये आएगा भी या नहीं, कितना वेट करना पड़ सकता है, खरीदें तो कितना होल्ड करें यहाँ पर, और अगर अगर बाय करते हो आप इस लेवल से या लॉस में हो आप तो क्या एवरेजिंग करने का डिसीजन सही रहेगा या नहीं, सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात वोडाफोन आइडिया के एक दिन के चार्ट की करें तो देखो पेनी स्टॉक जैसा चार्ट बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत छोटा स्टॉक है, 5 पैसे 10 पैसे का मूव यहाँ पर आता है, बट फिर भी जहां से ओपनिंग हुई थी वहां से कहीं ना कहीं स्टॉक जो है हमारा वो अपर एंड पर भागता हुआ देखने को मिला। 8.5 रुपए से हमारी ओपनिंग थी और ऑलमोस्ट 8.35 रुपए के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर आई है। तो एक अच्छी रैली है, देखो 1.5% की रैली अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर अच्छी लेवल से तो 5-10% कुछ नहीं होता है, 5-10 पैसे कुछ नहीं होता है, बट फिर भी छोटा स्टॉक है तो इतनी रैली भी ठीक ठाक है। गिरावट के बाजार में, गिरावट के बाजार क्यों कह रहा हूं मैं, देखो बाजार में आज एक ठीक ठाक रैली जरूर बनी है, बाजार में एक अच्छा मोमेंटम जरूर देखने को मिला है, बट सेगमेंटेड ग्रोथ है सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये कि यार मार्केट हमेशा उसी रेंज में अगर ट्रेड करता रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आता इन्वेस्टर्स को, और ये मार्केट किसी काम का नहीं। अगर साइडवेज का मार्केट है हमारा तो आप पैसा नहीं बना सकते हो साइडवेज के मार्केट से शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म वाले ही यहाँ पर वोलेटिलिटी वॉल्यूम लेकर के आते हैं। अब शॉर्ट टर्म का बाजार तो है नहीं ये, तो वॉल्यूम और वोलेटिलिटी दोनों गायब है बाजार से, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से वोडाफोन जैसे स्टॉक जो है हमारे वो बहुत कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप चार्ट भी देखोगे इनका तो लगातार शैडो चार्ट शैडो कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं। ये कैंडल आप देख सकते हो, ये शैडो कैंडल है, यहाँ पर एक शैडो कैंडल आई और लगातार आज की भी कैंडल हमारी शैडो कैंडल ही बनी है। तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम गायब है बाजार से, और रीजन वही है हमारा क्योंकि साइडवेज का बाजार है और साइडवेज के बाजार में अक्सर वॉल्यूम गायब रहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं बाजार से, या फिर वो सीजनल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आज का जो हमारा बाजार रहा है मोस्टली निफ्टी फार्मा के लिए रहा है ना, और बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक रैली देखने को मिली है हमें हालांकि, और टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले से ही बहुत प्रेशर में है। ठीक है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया ही नहीं बल्कि एयरटेल भी हो गया, टाटा टेली सर्विसेज भी हो गया, जियो भी हो गया, स्पेक्ट्रम ऑप्शन हमारे यहाँ एक महंगा बिजनेस होता है तभी वहां पर स्कैम वगैरह होते हैं, और स्पेक्ट्रम ऑप्शन काफी महंगा हुआ था, वोडाफोन आइडिया ने उसके लिए भी लोन दिया था लगभग 2000 करोड़ का, तब जाकर के उसे पे किया था, 574 करोड़ के आसपास का अपफ्रंट पेमेंट था उनका, उसके बाद बाकी लोन के थ्रू पे किया गया था। तो उसकी भी बात करते हैं हम, सबसे पहले अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट हमारा पहले स्टॉक जैसा बनता है बट स्टिल यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम सेट हो रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी की बहुत अच्छी नहीं है बट लगातार रिकवरी में है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 25000 करोड़ का लॉस था जून में, उसके बाद 7000 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 4500 करोड़ का लॉस था, तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। प्रॉफिट अभी कमाया नहीं कंपनी ने बट यस अगर रिकवरी होती है हमारी अच्छी तो ये प्रॉफिट में भी आएगी कंपनी हमारी, और इस बार के नंबर्स काफी कुछ पॉजिटिव आने के चांसेस बन रहे हैं, बट फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, जैसा मैंने हमेशा कहा है आपको कि वोडाफोन आइडिया इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो विजन देखते हैं कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है, और आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको ये तो पता रहना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कुछ कमाल करने वाला है आने वाले दिनों में, यू हैव टू बिलीव दिस। ठीक है, बात करते हैं उस खबर की, क्या खबर है हमारे सामने। तो देखो खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया एक्सपेक्ट्स टू कंक्लूड इट्स डिलेड फंड रेजिंग इनिशियली ऑफ अबाउट $1 बिलियन, $1 बिलियन के आसपास का पैसा उठाया जा रहा है इनिशियल फंड रेजिंग में यहाँ पर 7500 करोड़ के आसपास का जून एंड तक।
मई चल रहा है हमारा और जून के अंत तक यहाँ पर 7500 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग की जाएगी। द रिपोर्ट ऑल्सो क्लेम दैट द कैश स्ट्रैप्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज अश्योर्ड बैंक्स दैट इट वोंट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। ऑन द अदर हैंड पब्लिक एंड प्राइवेट लेंडर्स बिलीव दैट द टेलको विल मेक इट फाइनली। द रिपोर्ट मेंशन जो बैंक्स हैं, बैंक्स को भी अब भरोसा हो चुका है कि वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अब यहाँ पर इट कैन मेक इट। ठीक है, वीआई के जो टॉप लेंडर्स हैं, जो टॉप कर्जदार हैं, मतलब जिन्होंने कर्ज दिया हुआ, एसबीआई, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक है मोस्टली यहाँ पर। और जो मैं खबर आपको बता रहा था कि यार बैंक ने यहाँ पर दिखा पैसा दिया था 1420 करोड़ रुपए बाई अनदर ईयर ताकि वीआई क्लियर कर सके अपना रिमेनिंग ड्यू गवर्नमेंट का जो 4G स्पेक्ट्रम हुआ था उसको लेकर के। वीआई ने 4G एयरवेव्स बाय किए थे 2000 करोड़ के आसपास के और उसमें से 574 करोड़ रुपए फ्रंट पेमेंट की थी और बाकी का 1420 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने लोन लिया था टू पे दैट एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, तो ये खबर है हमारे सामने और ये अच्छी खबर है कि 7500 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग यहाँ पर किया जा रहा है। एक बढ़िया खबर लगातार वोडाफोन आइडिया में बनी हुई है। चार्ट पैटर्न हालांकि अच्छे नहीं बन रहे हैं फॉर द सेम रीजन की मार्केट हमारा साइडवेज का और साइडवेज के बाजार में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इंट्राडे वाले कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करते हैं जिसमें मूवमेंट बहुत कम आ रही है और वोडाफोन टेलीकॉम सेक्टर में मूवमेंट थोड़ी सी कम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्योंकि ज्यादातर मूवमेंट फार्मा सेक्टर में है हमारे, एनर्जी सेक्टर में है, मेटल सेक्टर में है इस समय पर और जो एक दो बैंकिंग सेक्टर है हमारे कई बार वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, बाकी बैंकिंग सेक्टर में इतना प्रेशर नहीं है अभी। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट पे आपको नजर रखनी पड़ेगी थोड़ी सी कि मार्केट में अगर जब तक कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आता है, जब तक कोविड की सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती तब तक मार्केट में बुल रन नहीं आएगा और तब तक वोडाफोन आइडिया में कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद यहाँ पर नहीं है अंटिल और अनलेस 7500 करोड़ रुपए पहले आ जाते हैं और वोडाफोन आइडिया पे कर देती है इनकी। तो जून तक आपको वेट करना पड़ सकता है, एटलीस्ट यू हैव अ डेट एट दिस टाइम कि जून के बाद यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि जून के अंत तक इंतजार रहा पर कर सकते हैं। बट डीआईआई एफआईआई की करें तो 9087 करोड़ का माल उठाया गया था कल के बाजार में इन्होंने और कल का बाजार भी ठीक ठाक रहा था, लोअर एंड पर खुला था, अपर एंड पर खुला था, लोअर एंड पर क्लोजिंग हुई थी हमारी, बट ठीक ठाक है, बाजार हमारा बढ़िया चल रहा है, न्यूट्रल जोन का बाजार है, माल उठाया जा रहा है, माल उठाइए, आप भी खरीदिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेज, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो बाजार को। 8.15 रुपए का सपोर्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है लगातार और 8.95 रुपए का रेजिस्टेंस जोन लगातार काम कर रहा है। स्टॉक में कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, मार्केट में अगर लगातार इसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है मार्केट से तो स्टॉक हमारा आने वाले दिनों में भी इसी जोन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। अंटिल और अंटिल 7500 करोड़ आ जाते हैं और ये स्टॉक हमारा शूट अप करेगा, जल्दी ही शूट अप करेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा आपको ज्यादा। खबरें अच्छी हैं, बाय कीजिए स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, होल्ड करके रखिए अगर आपने बाय कर रखा है तो, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं लेनी है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।